ये कौन सी हमने देखी थी, वही है ये टॉप पोलो टॉप, ये पोलो का टॉप मॉडल है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ड्राइविंग में और किसी चीज में कोई अंतर नहीं। गाड़ी सिर्फ जब आपने स्टार्ट हुई तब आपको पता चला। हाँ कैमरा नहीं है अपना पास, भर्राट नहीं है कि भाई बहुत तेज साउंड, बहुत तेज साउंड हो रहा है। तो बिक्री स्मूथ चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चलेगी। और ये गाड़ी काफी पुरानी हो गई है, ये वैसे टेस्ट ड्राइव भी रख रखी है। तो ये टेस्ट ड्राइव फादर ने फादर को टेस्ट ड्राइव कर सकता है। हम फादर ने फादर टेस्ट ड्राइव ¿Y dónde está el gigante? Mi cuerpo se va adentro. ¿Y dónde está el gigante? Sí, sí, sí. ¡Dos, tres, vamos! ऑटो क्लाइमेट चल रहा है सर, ऑटो क्लाइमेट चल रहा है। मैंने तीसरे गियर में अभी एक्सीडेंट दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं फील हुआ होगा आपको ऊपर गियर में। हाँ। कुछ गाड़ी देखो फंस गई, फंसती है तो हाँ वो झटका देती है। सही है। अरे जो हमने उतारी है वो पसंद आई, जो वाली सेडान वाली, तो उसका भी मतलब सेम है। हाँ बिल्कुल सेम आपको फील होगा चला के, क्योंकि सेम इंजन है। अच्छा इंजन सेम है दोनों का, इसका और इसका, पर वो थोड़ी बड़ी है। वो सिर्फ लंबाई में बड़ी है और कुछ नहीं खास, पर वो थोड़ा ये है कि उसमें आपको स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, दैट्स इट, ऐसा कोई फर्क नहीं है। अच्छा। पर चलाने में सेम फील होगा क्योंकि इंजन सेम है।
ABS with ABD, ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती है इस गाड़ी की। अच्छा ABS तो नॉर्मली कार्स दे ही रही हैं, इसमें ABD भी इनबिल्ट है, बट आपको कभी मेंशन नहीं करेंगे। और जैसे कि हमने जैसे कि गाड़ी पूरी मोड़ दी और फिर हमने एक्सेलेरेटर दिया तो अपने हैंडल बीच में आ जाएगा मीडियम? ऑब्वियसली तो खैर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग का फंक्शन होता ही है, वो आप कहीं नहीं ले आ सकते, उसके बिना इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग तो बेकार ही है। फिर एकदम से घुमाने में कुछ एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली देखिए स्टीयरिंग को इतना स्मूथ भी नहीं होना चाहिए कि जब आप मोड़ रहे हैं तो सडनली पूरी घूम जाए, गलत जगह ले आए। परफेक्ट जो ग्रिप होती है ना वो इस गाड़ी में है। क्या बोले? नहीं बड़ा है येरा ऐसी ओडी लग रही है कि मतलब बाहर की साउंड अंदर इतनी नहीं आ रही। नहीं आई गाड़ी की खुद की साउंड तो है। इसे कितना टाइम हो गया? ये टेस्ट ड्राइव के लिए ना? ये तो हाँ हो गया, वो एक साल पुरानी। एक साल हो गया? एक साल में तो मुझे पता ही नहीं चलता। बहुत एक साल में बहुत लोग गाड़ी बोल जाती है। देखिए एक साल में वो गाड़ियाँ बोलती हैं जिनका पावर इंजन जितनी कैपेसिटी मैक्सिमम तक पहुँच सकता है उतनी निकाली जाती है। जबरदस्ती किसी इंजन को मतलब ये है ना कि जैसे मान पावर सुबह भगा रहे हो, पावर से ऊपर नहीं एक्चुअली। मान लीजिए कि क्या होता है कि एक इंजन की मैक्सिमम पावर के निकालने की रीच होती है, लिमिट होती है। आपने उस इंजन की उसकी मैक्सिमम रीच कर दी, मतलब उसको बिल्कुल ही ऐसा बना दिया कि भाई ये तो गधा है, उसे चढ़ाओ जितना वजन चढ़ाओ वाली चीज हो, ठीक है कितने टाइम तक काम कर लेगा? एक दिन पूरा? ज्यादा से ज्यादा इसमें नेट वेट कितना रखते हैं? क्या चीज नेट वेट कितने लोग? नेविगेशन का पूछ रहा है? नहीं नेविगेशन नहीं, कितने लोग? पांच से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं? हाँ पांच बैठ सकते हैं, पांच तो आराम से बैठ सकते हैं। कंफर्टेबली तो चार बैठ सकते हैं, अगर बहुत कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो चार, वरना पांच की सीट। पांच में तो हाँ पांच ही बिठा लो अलग से। ये तो वैसे भी घर पे आ जाएगी, घर पे बुला सकते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए? हाँ घर पे बुला, ठीक है। पर ये होता है ना कि जैसे गाड़ी वैसे मतलब टेस्ट ड्राइव भी है ना, अगर आप यहाँ पे शोरूम पे आके लेकेंगे तो ज्यादा बेटर है। ऐसा होता है ना, नहीं डिजायर वाले ऑप्शन दिख जाते हैं, नहीं और भी ऑप्शन दिख जाते हैं। प्लस ये होता है कि जब क्या होता है ना आप कलर्स देखते हैं ना अलग अलग, तो एक बार में सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये कौन सा कलर? जब आप ऐसे टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना जैसे घर की साइड टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कलर है आपका नेवी ब्लू, ठीक है। ये शायद से डिसकंटिन्यू हो चुका है, डिस्कंटिन्यू कर दिया था। नहीं है ये शायद ही आता है तो कंपनी करा के नहीं दे सकती है बाद में? नहीं एक्चुअली कलर चेंज कराए तो डार्क थोड़े ज्यादा आते हैं, ब्लैक हुआ सिल्वर हुआ, ब्लैक भी नहीं आता, सिल्वर आता, सिल्वर ग्रे। वो कौन सा का सीन ऐसा है, ब्लैक को थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस से डिस्कंटिन्यू किया गया क्योंकि ब्लैक की जो विजिबिलिटी है रात को रात के टाइम में बड़ी परेशानी करती है, तो वहाँ पे क्या है एक्सीडेंट्स बहुत देखे गए हैं ब्लैक कलर की गाड़ियों के। अच्छा तो वो बंद कर इस वजह से। आपने पहले भी गाड़ी अच्छी ली थी। कौन सी? माइक्रा? वो नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत शानदार गाड़ी है। हाँ वो सही है, मगर हम उसी सेगमेंट में और बेटर चीज देख रहे हैं। नहीं चक्कर क्या था कि वो हमने पहले ली थी, उसे बहुत टाइम हो गया, कम से कम सात साल हो गए होंगे। पुरानी वाली माइक्रा थी? हाँ पुरानी। समझ गया। हेलो हेलो दीपक, हेलो। हाँ मेरा छोटा भाई होगा उससे ले लियो, देख शटर खोलेगा। अबे मैं तो आ रहा हूँ अभी, अबे तो पागल, मैं तो टेस्ट ड्राइव लेने आऊँ गाड़ी की, चेक करने आए गाड़ी। हाँ बता। कोचिंग तो खत्म हो गई हुई ना? अच्छा चार की है, ठीक है घर पे पहुंच मैं आता हूँ। चलो अब देखिए 1000 CC भी क्या है ना यार, वो स्पीकर 1000 CC का ही कह रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ।
अगर मेरा 1000 सीसी का इंजन नहीं, अगर 180 किलोमीटर यार वो स्पीकर मांग रहा है, घर में कोई नहीं है, मैं चलता हूं इंजन में पावर बहुत, क्योंकि 1000 सीसी का इंजन 180 पहुंचता है। अच्छा गाड़ी तो टॉप स्पीड कितनी है कार की हाईवे पे? देखिए 1000 सीसी के हिसाब से अगर 150 भी पहुंच रही है तो मैं मान के चलता हूं पावर बहुत है इस गाड़ी में। यहां पे आपको गाड़ी में पावर लगाते हैं और कितने